राजा नंद किशोर नाथ को समझा करके कहने लगे कि हे पुत्र, जिस दिन मैंने दूसरी शादी रानी दहवंती के साथ में की थी, उसी दिन रानी मोती मेरा साथ छोड़ करके और देवलोक के लिए चली गई है, वो अब नहीं आएगी। केसरलाल कहने लगा, हे दाता, अगर मौसी मोतनी कुआं पर नहीं आती है तो मैं कुआं पर सीखे कभी नहीं डालूंगा। सोच रहे हैं राजा नल कि अगर पुष्करलाल नहीं मानता है तो मैं आज रानी मोतनी को जरूर बुलाऊंगा। राजा नल कुआ पर खड़े हैं और रानी मोतनी को याद करते हैं। अरे लाले भैया मेरी रानी बलवाए अपने, थोड़ी देर गाना हो जाएगा। Yeah।
अरे तुम बिना शादी कोई रानी मोती देवलोक में अपनी सहेलियों के साथ में सार खेल रही है। ये काले भनक मोतिन के पंगल और मोतिले सखियां खयाल मोदनी सखियों के साथ में सार खेल रही है। राजानल की आवाज जिस समय रानी मोदनी के कान में पड़ी तो सखियों से बात करने लगी, बहना क्या कह रही दीदी जी, बताओ कहां जा रही हो दीदी? जाए कहां रही? आज हमारे पति महाराज ने हमें याद करो वे जा रहे। पति महाराज ने याद करो वे? हाँ जब बताओ तुम पहले जब तो हम अब मेरे दावर तलो तुम खेलती रहेंगे और जो तुम्हारा दाव आई उस तुम अब चल रही हो। दीदी कोई बात ना, हम तुम्हें स्टूडियो वाले भैया के सामने छोड़ जाते हैं तुम्हें, ठीक नहीं रही हो? मैं आज जा रही बहन, रात भर रुकूंगी बहन, कल मैं लौट के तुम्हारा दाव दिए आई, ठीक है? जब बताओ जिनने तुम्हें छोड़ दो अब तुम उन्हें की ढिंगन जा रही होगी। जीजी जाती का कुले दिन वही आदमी छुट्टी भी था जाती मैंने मजबूरी में जाती। लेकिन जीजी मेरे पहले दाव तय कर जावा तो कोई बात नहीं बहन, मैं लौटे कल दाव दूंगी आके, ठीक है? लौटे के दियो आए के मास्टर और मौत में जाए रही मरो राजा, ये किसना रोए रो रे कक्कर पुजिया भैया, किसना रोए रो रे कक्कर पुजिया और मौत में लगे बरोबर बुलाओ मैं तुम्हें तो कहती हे रानी मोतनी, खबरदार हम से रानी मोतनी मत कहियो। क्यों? तुमने अच्छे कैसे करो, मैं संग अच्छो करो तुमने, और मैंने गलत भी क्या किया है? रुपया ले लो ला, ये पलंग दे रे भैया। मैंने कुछ गलत नहीं किया है प्रिया तुम्हारे साथ में भैया। लोग इन्हें गलत ना करो हमें संग, हमारे दानमगढ़ में जब शादी करने के लिए गए थे, अपने दानमगढ़ की बात बता रही हूँ मैं, तो मैंने महाराज तुमसे एक बात कही थी, मेरी बात सुन रहे हो? हाँ सुनता हूँ, बताओ। मास्टर उस्ताद, अरे मैं देवन की महाराज कि मैं देवन की थी बल मरे संचत के बरसे मती रैया कहा था प्रकाश भैया हमारे बंसुक नगर निवासी 100 रुपए दे रहे हैं
अपने दानवगढ़ की बात बता रही हूँ। मैं देवन की धुनी बल मरे संत के बल से मती रैया। ए महाराज याद है मुझे को के हमारी बलवा चलेगी ना मैं वाली बच्चा पैदा कब कब। काले राम हमारे लड़का के बाबा हैं, ये हमारी मनसवासी हैं, 50 पुत्र हैं। बेटा कटारी से शादी करिया बिटिया मोरे दरगे कहा था मुझे याद है। इन्हें तो सर ब्याह कर लो हमें न छोड़ के चली गई तद तवा दिल नैन देव लोग देते जब हमारो कृष्ण लाल लला आज रो तब हम चली आई। पर मैंने तो तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम अपने आप छोड़ करके चली गई हो प्रिया। न तारियर जब गंजटा के बच्चा बना दी खत तारियर। अरे होश मराने को होश में होश मना रहे हैं। अगर गाड़ी गई तेरे मुंह तो दे अब हाल हम आओ। हां कौना तो मन को फिर रही है। और सुनो महाराज बतलाओ। अरे लोगों ने रे चढ़ाई लई नरवरिया रे कृष्णा बेटा। हाँ लोगों चढ़ा ली है मैंने तुयो रे बंदा से नरतिया रे नामक नाय चढ़ा। तुम्हें इस बात का यकीन है कि मैंने तुम्हारे नाम के बतासे नहीं रखे हैं। अरे बरबरे जान बेसन बात खाओ बड़े मारे तुम्हारे खाया है। हे रानी मोतनी महाराज। अरे रखे अरे पता मेरी रानी नाम तेरे के। बेसन भात फुलकिया रे भुसी मैंने मलय बात फुलकिया तुम्हारे नाम का मड़े में घोष रखी है। कोई बात नहीं महाराज चलिए तो हम डरवाजी को। अब ऐसा करो चल करके किशन लाल बेटा को सीकंड डलवा दो और जल्दी कर लो। बीच बीच में प्रचार कर करो बीच बीच में प्रचार कर आ जा भैया। नाम है